1804.26 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित हुआ था। अगस्त 2020 में इस पद में 1831 करोड़ रुपए की प्राप्ति है। इसी प्रकार आबकारी के अंतर्गत 2019 में 1882.33 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो अगस्त 2020 में बढ़कर 2310.27 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। भूतत्व और खनिकर्म में अगस्त 2019 में 109.56 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, अगस्त 2020 में इस मद में 171.53 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई। हमारे 56,459 केसेस हैं और जिसमें से 3,616 ही जिसमें मृतक दर्शाए गए, जो हमारे अभी तक का मृत्यु का आंकड़ा है। ये भी आज भी चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, इन सबसे काफ़ी बेहतर स्थिति हमारी फैलाव को रोकने में हम सफल हुए और काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और अभी भी लगातार हमारी कोशिश यह है, मुख्यमंत्री जी रोज़ बैठक करते हैं, रोज़ इस संबंध में निर्देश दिए जाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, लोगों से फीडबैक भी लिया जाता है कि किस मेडिकल कॉलेज में कितने लोग हैं और उनसे जो मरीजों से खासतौर से वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी फीडबैक लिया जाता है। कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि हर मरीज को कम से कम समय में इलाज के लिए अस्पताल में पहुँचाया जाए और जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू हो सके, चाहे निगरानी की स्थिति हो और चाहे टेस्ट की स्थिति हो और चाहे उसके बाद मरीज को अस्पताल तक पहुंचवाने की स्थिति, हर चीज़ पर एक कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है और हर स्तर पर यह कोशिश की जाती है कि मरीज को सबसे कम सुविधा हो। और टेस्टिंग की पोजीशन भी आपको मालूम है कि अभी 31 तारीख को ही हमारे 13 BSL2 लैब का शुभारंभ हुआ है, जिसमें 10 सरकारी क्षेत्र में और 3 निजी क्षेत्र। आज की तारीख में लगभग 1,40,000 से लेकर 1,50,000 टेस्ट तक रोज़ हो रहा है।